नमस्कार, आज हम बनाएंगे मूंग दाल रसवड़ा। ये नॉर्थ इंडिया की ट्रेडिशनल स्वीट डिश है। रसगुल्ले, गुलाब जामुन बहुत खाए हैं। अब आप बनाइए ये मूंग दाल रसवड़ा। इसका खास स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चाशनी बना लेते हैं। तो बर्तन में हमने चीनी डाली 1 कप, और ये आधा कप, 1.5 कप चीनी डाल दी। पानी भी 1.5 कप डाल देंगे, 1 कप, और ये आधा। जिस बर्तन से आप चीनी नाप रहे हैं उसी बर्तन से आप पानी नाप लीजिए। सबसे पहले इसे चीनी पानी में घुलने तक कुक होने देंगे। ये आधा कप धुली मूंग की दाल को धोकर 2 घंटे पानी में सोख करके ले लिया है। एक्स्ट्रा पानी हटा दिया और ये मूंग की दाल भीग कर तैयार हो गई। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो इसे भिगोने के लिए आप गर्म पानी का यूज करें। 1 घंटे में ही मूंग की दाल भीग कर तैयार हो जाएगी। अब इसे एकदम बारीक पीसेंगे और पानी का यूज़ नहीं करेंगे। ये देखिए, दाल एकदम बारीक पीस ली। ये 100 ग्राम पनीर, इसे तोड़कर दाल में डाल देते हैं और फिर से इसे बारीक पीस लेते हैं। ट्रेडिशनल रेसिपी में मूंग दाल के साथ में पनीर नहीं डाला जाता, कहीं कहीं इसमें मावा मिलाया जाता है। लेकिन अगर आप इसमें पनीर मिलाएंगे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। देखिए, इसका पेस्ट कितना स्मूथ बना है। और इसे पीसने में हमने 3 टेबलस्पून पानी का यूज किया है। इधर चाशनी को चेक करते हैं। इसकी चीनी पूरी पानी में घुल गई है। एक बार चला देते हैं। और ये 4 क्रश्ड इलायची हैं और 10 बारीक केसर के धागे। केसर अगर नहीं हो तो नहीं डालना, ये ऑप्शनल है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट और कुक कर लेते हैं। और ये जो दाल का बैटर है इसे थोड़ा सा फेंट लेते हैं, 2-3 मिनट। इसे हमने 3 मिनट फेंट लिया और ये देखिए कंसिस्टेंसी, पोरिंग कंसिस्टेंसी नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और एकदम फ्लफी हो गया है, बैटर तैयार हो गया। चाशनी को कुक होते हुए 5 मिनट हो गए, चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमें कोई तार लेने की ज़रूरत नहीं है। इसे थोड़ा ठंडा कर लिया, इसके बाद ज़रा सा उंगली से टच किया और इस तरीके से बस देख लिया, ये शहद के तरीके से चिपचिपी है। देखिए, कोई तार नहीं उठ रहा, चाशनी बनकर तैयार है। इसे उतार कर रख देते हैं। इधर हमने तेल गरम करने रख दिया है। 1 ड्रॉप बैटर की डाल देते हैं। देखिए, बैटर सिक कर ऊपर आ रहा है, तेल सफिशिएंट गरम है। तो रसबड़े तलने के लिए डालते हैं। तो ये हमने बड़ी चम्मच ले ली है, इससे डाल देंगे। तो आराम से एक एक रसबड़ा डालते जाएंगे। फ्लेम मीडियम रख ली है। थोड़ी देर इन्हें सिकने देते हैं। अगर बैटर थोड़ा पतला हो जाए तो रसबड़ा तलते समय बिखर भी सकते हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बैटर में थोड़ा सा बेसन या सूजी मिला दीजिए। अगर आप बेसन मिला रहे हैं तब तो आप बड़े फटाफट तल लीजिए। अगर सूजी मिला रहे हैं तो बैटर को 5-6 मिनट के लिए रेस्ट करा दीजिए और फिर आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। थोड़ा सा गर्म ऑयल इस तरीके से इनके ऊपर डाल सकते हैं। और ये देखिए, सिक चुके हैं। इन्हें थोड़ा हिलाकर देखेंगे, निकलने लगे, इन्हें पलट देते हैं और चारों ओर से घुमा घुमा कर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। फ्लेम लो मीडियम। ये रसबड़े काफ़ी फूल गए हैं और एक ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन भी हो गए, दूसरी ओर से थोड़ा सा और तल लेते हैं। इन पर चारों ओर से अच्छा सुनहरी कलर आ गया है, सिक चुके हैं, ये निकाल लेते हैं। और बचे हुए बड़े भी इसी तरीके से तलकर तैयार करेंगे। और ये बड़े चाशनी में डाल देते हैं। ये हमारा दूसरा खान। ये सारे वड़े तलकर तैयार कर लिए और एक बैच को तलने में 5 से 6 मिनट लग जाते हैं।
अब इन्हें आधा घंटे चाशनी में डालकर रख देते। आधा घंटा हो गया और ये देखिए सारा का सारा रस मूंग दाल वड़े में समा गया है। मूंग दाल रस वड़े सर्व करने के लिए तैयार हैं, एकदम फूले फूले, रस से भरे हुए, नर्म और मुलायम। आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आएंगे और बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आप मूंग दाल पीस रहे हैं, पानी कम से कम यूज़ करें, कंसिस्टेंसी इस तरह की बना लें और तलते समय तेल मीडियम गर्म हो। बाद में जब ये फूल जाएं और थोड़े से सीख जाएं, तब आप फ्लेम को लो मीडियम कर लें और इन्हें अच्छे सुनहरी होने तक तल लें। तलने के बाद इन्हें आधा घंटे तक चाशनी में पड़े रहने दें। इसके बाद सर्व करें। आप इन्हें फ्रिज में रखकर पूरे 5-6 दिन तक खा सकते हैं। तो आप ये मूंग दाल रसवड़ा बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।